सबसे पहले आता है हमारा प्लेट शोल्डिंग जिसमें रखते हैं ना, और ये रहा स्प्रिंग। तो अभी मैं आपको इसको पूरा बना के दिखाता हूँ। ये रहा इसका स्क्रू, इसे अभी नीचे रखते हैं। तो ये है, इसे पहले ये जो एक छेद है ना, बंद हो गया। ये जो छेद है पहले उसमें ये स्क्रू डालिए, और फिर इसे ये बिल्कुल 60 डिग्री पे करके रख दीजिए। इस पर इसके अंदर घुस गया ऐसे करके आ जाएगा ये, फिर ये ऐसा बनेगा। ओके, फिर इसे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, और ये देखिए अभी पूरा देख लीजिए ये सही लगाया जा रहा है नहीं लग रहा जा रहा, तो मेरा सही है। इसे टाइट कर दीजिए, हम टाइट कर देंगे। हम ये टाइट हो गया, ये प्लेट ऐसा हो गया तैयार। और फिर आता है हमारा ये शोल्डिंग आयरन का दूसरा पार्ट, मतलब ये जैसे कि ये यूज्ड है मेरा, ये यूज्ड है, पहले बता रहा हूँ मैं। ये पहले ये जो है ये निकल जाता है इसका, ये लॉक से इसे थोड़ा सा लूज लेके निकल जाता है। तो इस फिर ये लगा देते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ पे शोल्डिंग करने के लिए, ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ पे। तो ये छोटी, अभी मैं छोटी करता हूँ इसलिए मैं छोटी वाले लगाया। ओके, और ये है इसका एक पेचकस मिला था, ये पेचकस स्क्रू ड्राइवर, ये दो है, ये दो स्क्रू ड्राइवर है इसमें, ये दो। ओके, एक में लाइट जलता है एक में लाइट नहीं, ये तो ऐसी है, इसमें लाइट वाइट जलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये ऐसी, ये पता नहीं किस चीज़ के नहीं, ये उठाने के लिए ये आते है एक वायर, डी शोल्डर वायर। ओके, तो ये आता है ये शोल्डिंग वायर, एलुमिनियम वायर जो होता है, ये वो एलुमिनियम वायर जिससे शोल्ड करते हैं। ये सही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसका, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है एलुमिनियम वायर। इसके बारे में हम कहे कैसे ये तो पता भी नहीं हमें। और ये है हमारा शोल्डिंग पेस्ट। अभी हम खोलते इसे ऐसे करके, खुल गया ये, खुल गया ऐसे, शोल्डिंग विक, शोल्डिंग आयरन, तो जो पेस्ट होता है वो। ये पूरा हम दिखा दें आपको, और कुछ बचा नहीं है, बस ये डब्बा है, और कुछ है नहीं, बस ये पूरा अनबॉक्स हो गया। तो ये मैं रिकमेंड, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ले, ये 250 के अंदर ये बेस्ट है, ये सही है। और कोई आप लोगे तो वो ख़राब हो जाएगा जल्दी,